अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एलसी ओसिलेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशंस भी इसे हम देखेंगे। तो जनाब, आपने अब तक जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स देखे वो थे रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, जिसमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इंडक्टर की इंडक्टेंस। फिर हमने इनके कम्बिनेशंस देखे, आपके पास सीरीज में आरसी सर्किट और आरएल सर्किट को स्टडी किया गया। जब हम आरसी और आरएल सर्किट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे ग्रो और डिके करते हैं एक्सपोनेंशियली। यानी आपके पास चार्ज भी एक्सपोनेंशियली ग्रो या डिके करेगा, करंट भी एक्सपोनेंशियली ग्रो और डिके करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो और डिके करेगा हर कंपोनेंट के गिर्द। यानी आपके पास रेजिस्टर पे भी और इंडक्टर पे भी हम इनका बिहेवियर ऐसे ही देखते हैं। तो वो जो आपके पास ग्रोथ और डिके का स्केल होता है, उसे हम टाइम स्केल से, टाइम कॉन्स्टेंट से नापते हैं, जो कैपेसिटिव भी होता है और इंडक्टिव भी। यानी इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट भी है और कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है। ठीक हो गया जनाब। तो आज जो बात है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा आर सी का, फिर पढ़ा आर एल का। आज जो हमने देखना है डेट इज एल एंड सी, यानी कि अब हमारे सर्किट में सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो ओसिलेशंस पैदा होंगी, बुनियादी तौर पे वो एनर्जी की ओसिलेशंस होंगी, देखेंगे क्या होता है। तो वो ओसिलेशंस अब हमने स्टडी करनी है। ठीक हो गया जनाब। तो मेन हेडिंग है हमारे पास एलसी ओसिलेशन। हम देखेंगे कि आज के जो मामला है एलसी ओसिलेशन का, इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपोनेंशियली बिहेव नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियली ग्रो या डिके नहीं करेंगे, बल्कि साइनोसाइडली वेरी करेंगे। ठीक हो गया। अब उसका प्रूफ भी देखेंगे। आगे चलते हैं जनाब। तो अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन बनाएंगे। और ऐसा सर्किट जहां ये सब कुछ हो रहा होगा उसे हम कहेंगे वो ओसिलेट कर रहे। क्या मतलब? अब आप इसके मैं सादा तरीन लफ्जों में बताऊं कि कभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो ये जो एक दूसरे में इनका ट्रांसफर होना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस का कंसेप्ट आता है हमारे पास। ठीक होगी बात। तो अब हम एक बात और बोली है, हम जानते हैं कि कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। दोनों के टूल हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरिंग क्या है? हाफ 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। और इंडक्टर की क्या है? 1/2 एल आई स्क्वायर। तो जनाबे वाला, अब आप देख सकते हो कि दोनों में हमें डिफाइंड है कि कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होगी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होगी इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू करते हैं जनाब एक सर्किट से। फिग ए आपको दिख रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो करंट जीरो है, मगर कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अब आपके पास इंडक्टर में से कोई करंट नहीं गुजर रहा। जब इंडक्टर में से करंट ही नहीं है तो आप बताओ क्या उसमें एनर्जी आएगी? तो उसकी कोई एनर्जी नहीं आएगी। इस टूल के लिहाज से भी आप समझ सकते हैं। तो बात समझ आ गई। तो अब इनिशियल स्टेज जो मैंने शुरू की बात, उसमें कैपेसिटर के पास फुल एनर्जी है, यानी सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, मैक्सिमम एनर्जी जिसे आप बोल सकते हैं, और वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो आपके पास जीरो के इस वक्त है। ठीक होगी बात। अब जनाब क्या होता है, कैपेसिटर जब चार्ज था तो थोड़ी देर के बाद उसने डिस्चार्ज होना है, तो करंट पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव की जानिब। तो जब करंट इंडक्टर में चलना शुरू होगा, जब करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, तो जनाबे वाला उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब जरा सोचो, जैसे ही चार्जेस मूव ऑन करेंगे पॉजिटिव प्लेट से, तो कैपेसिटर से फील्ड कम हो जाएगी। जब फील्ड कम होगी तो इसका ना एनर्जी कम हो गई। अब वही करंट जब इंडक्टर में पहुंचेगा तो हम जानते हैं कि इंडक्टर में तो अब आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो करंट के बढ़ने की वजह से वहां पे एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंज होगा, वो सारी बात हमने पढ़ी हुई है।
तो जनाब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा आपके पास कैपेसिटर की एनर्जी एक तरह से ट्रांसफर होती चली जाएगी किसके पास, इंडक्टर के पास। इस वक्त स्केल के अकॉर्डिंग आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त सिचुएशन ये समझ लें कि कैपेसिटर की एनर्जी कम होके वो शिफ्ट होगी किसके पास, इंडक्टर के पास। अभी आपको दिख रहा है कि आधी लेट से कैपेसिटर के पास है और आधी किसके पास है, इंडक्टर के पास है। तो जनाब आपने देखा जैसे ही करंट चलना शुरू हुआ तो कैपेसिटर की एनर्जी कम होना शुरू हो गई और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि आई आ रहा था अब आपके पास, ठीक हो गया बात। तो अब जनाब नेक्स्ट फिग सी जरा देखते हैं। फिग सी में देखो कैपेसिटर की फील्ड खत्म हो चुकी है, यानी सारे का सारा चार्ज प्लेट को छोड़ के सर्किट में आ चुका है। इसका मतलब मैक्सिमम करंट आ गया क्योंकि सारा चार्ज मूव कर रहा है। तो अब इसका मतलब करंट मैक्सिमम होने की वजह से इंडक्टर में फील्ड भी मैक्सिमम आएगी, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब कैपेसिटर के पास जो सारी एनर्जी थी वो उसने लूज कर दी है और आपके पास वो सारी एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्योंकि करंट इस वक्त मैक्सिमम लेवल पे है तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम लेवल पे होगी। तो जनाबे वाला अब जब आपके पास ये सारी काम ना आपके पास यानी ग्रेजुअली हुआ कि करंट आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, कैपेसिटर की एनर्जी कम होती गई, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ती गई, तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी और कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं होगी। तो जनाब आप ग्राफ में भी देख सकते हैं सारी एनर्जी इस वक्त कौन ले चुका है, सारी एनर्जी आपके पास इंडक्टर के पास है यानी मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हुई हुई है और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको नहीं दिख रही ग्राफ स्केल के ऊपर। तो जनाब अब क्या है कि जैसे ही करंट चलता जाएगा अब वो दूसरी प्लेट पे जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होगा, अब आपके पास जब करंट दूसरी प्लेट पे पहुंचा तो उधर पॉजिटिव हो गया तो दूसरी तरफ नेगेटिव इंड्यूस आ गया, यानी फील्ड एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे कैपेसिटर फील्ड बढ़ाता जाएगा तो इंडक्टर में से करंट कम होता चला जाएगा क्योंकि चार्ज डिपॉजिट हो रहा है अब। तो अब जब इंडक्टर में से करंट कम होना शुरू हो जाएगा तो उसकी फील्ड भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी एक तरह से जो इंडक्टर में स्टोर हो गई थी अब वो एनर्जी जानी शुरू होगी कैपेसिटर के पास फिर, यानी अब इंडक्टर की एनर्जी कम हो रही है और वो एनर्जी जा रही है कैपेसिटर के पास। तो अभी अगेन आपको स्केल में दिख रहा है कि हाफ हाफ एनर्जी का कंसेप्ट आ गया है। फिर क्या होगा जनाब, अब ग्रेजुअली करंट चलते चलते सारा चला गया, सारा चार्ज डिपॉजिट हो गया दूसरे एंड पे, तो ये प्लेट सारी पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब सारा चार्ज स्टोर हो चुका है। तो अब आपकी फिर कैपेसिटर ने मैक्सिमम फील्ड डेवलप कर ली, इसका मतलब मैक्सिमम आपके पास एनर्जी कैपेसिटर के पास है, इंडक्टर में तो करंट है ही नहीं तो आपके पास करंट जीरो होगा, तो फील्ड भी जीरो हो जाएगी, फील्ड जीरो होने का एनर्जी जीरो हो गई। तो इसका ना सारी एनर्जी हम शिफ्ट कर चुके हैं कैपेसिटर तक, तो ये मगर मोमेंटली होगा यानी परमानेंट बेसिस पे नहीं होता ये, ठीक है। तो अब आपके पास अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब फिर करंट जैसे ही कैपेसिटर मैक्सिमम लेवल तक चार्ज हुआ तो उसके बाद डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो वापिस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होगा, क्लॉकवाइज करंट आना शुरू हो गया। अगेन फिर वही मामला आएंगे, जैसे ही करंट पहुंचेगा इंडक्टर तक फील्ड बननी शुरू होगी तो इसका अंदर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। तो जनाबे वाला कैपेसिटर की एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी, इंडक्टर के पास एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मामला चलते रहेंगे, जैसे आप इस केस में जी और एफ में भी देखोगे, अब सारा जब करंट मैक्सिमम होगा तो इंडक्टर फिर मैक्सिमम एनर्जी ले लेगा और आपके पास कैपेसिटर के पास होगा कोई एनर्जी नहीं होगी, और ये मामला फिर ऐसे ही चलते जाएंगे। जब चार्ज थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा प्लेट पे तो सर्किट में से करंट कम हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं रहा तो इंडक्टर में से फील्ड कम होकर अब डिपॉजिट होनी शुरू होगी कैपेसिटर पे। तो जनाब ये एक साइकिल है, ये रिपीट करता जाएगा अपने आप एफ टाइम, ठीक है। तो वो अब आपके पास उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2πf से हम कहेंगे। अब अगर आप देखो कि आपके पास एनर्जी कभी कैपेसिटर के पास है, कभी इंडक्टर के पास है, कभी इंडक्टर से कैपेसिटर के बीच बीच में ही ये शफल होती जा रही है, तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए तो ये ओसिलेशन तो इनडेफिनेटली चलनी चाहिए, क्योंकि आइडियल इंडक्टर तो वो होता है ना भाई जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी कंटिन्यूसली एक लूप के अंदर चलती चली जाएगी।
पहले कैपेसिटर के पास, फिर थोड़ी कैपेसिटर, थोड़ी इंडक्टर के पास, फिर सारी इंडक्टर के पास, फिर थोड़ी आधी आधी होगी, फिर सारी कैपेसिटर के पास, फिर इसी तरीके से शफल हुई, फिर इंडक्टर के पास, फिर निस्त। तो ये कंटिन्यूस पाथ बनता चला जाएगा आपके पास। तो अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये एनर्जी इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ओसिलेट करती रहेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन या एलसी ओसिलेशन का कंसेप्ट है हमारे पास। तो इस चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेशन बोलते हैं। तो जनाब अब इसका ना एनालॉग फॉर्म देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी की एनालॉगी क्या है। हमने स्प्रिंग मास सिस्टम में पढ़ी मैकेनिकल एनर्जी, अब मैंने आपको पढ़ाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन में आपके पास जो एनर्जी का कंसेप्ट आया। अब अगर आप देखो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx2, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की 1/2 mv2, वेलोसिटी कैसे निकलती है dx/dt से। अब जो अभी एलसी ऑसिलेशन पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या पढ़ाई मैंने, 1/2 1/c q2, यानी q/c2 लिखा हुआ था, q2/c लिखा हुआ था, 1/2 li2। तो आप इनकी रिजेम्बलेंस देखो, आए आ गया किसके, d/dq/dt के। तो अब आप देखो q यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड है किसके, x के, यानी यहाँ पे पोटेंशियल में x2 है, यहाँ पे q2 है, यहाँ पे i आपके पास इंडक्टर में है और v किस में है, काइनेटिक में है। और इसी तरह 1/c यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड है किसके, k के, और l कॉरेस्पॉन्ड है किसके, m के। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉरेस्पॉन्ड ये बताती है कि कैपेसिटर बुनियादी तौर पे स्प्रिंग का किरदार अदा कर रहा है और इंडक्टर ब्लॉक का किरदार अदा कर रहा है। तो इसका ना एक एनालॉगी हमें समझ आ रही है। तो आपके पास इस तरीके से हम इसको मैकेनिकल मेथड से भी रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी सोचूं तो आप कहोगे कि आपके पास ब्लॉक स्प्रिंग की k/ω है, और मैंने अभी कहा k किसको रिजेम्बल करता है, 1/c को, तो m किसको रिजेम्बल करता है आपके पास, l को। तो आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, तो k की जगह क्या लगा दोगे, 1/c, m की जगह l, तो आप इसे √1/lc कह सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास रेजिस्टेंस लेस, जैसे मैंने शुरू में भी कहा अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो तब आपके पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी इस फ्रीक्वेंसी से हमारी एनर्जी ओसिलेट करती रहेगी, कभी कैपेसिटर से इंडक्टर और इंडक्टर से कैपेसिटर। तो ये जनाब मैंने आपको इसका एक फिजिकल कंसेप्ट दिया इस ऑसिलेशंस का। इसका एक नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकली इसको प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस के टूल्स क्या बनते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म्स के साथ क्या होता है। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।